आदाब नमस्कार, मैं इजाज़ अहमद, आप देख रहे हैं सीमांचल प्रेस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनावी माहौल चल रहा है। कदवा प्रखंड के अंतर्गत हमें धबरसिया पंचायत के एक समिति कैंडिडेट जिनसे हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद रजा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रजा हुआ, मैं मोहना ग्राम का रहने वाला हूँ, धबरसिया पंचायत हुआ। मैं सबसे पहले वार्ड नंबर 8 से 14 तक के ग्रामवासी जो धपरसिया पंचायत के हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। उन सभी को नमस्कार, उन सभी को अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा सवाल है पहले आपसे, ऐसा क्या देखकर आप समिति के ही चुनाव में लड़ रहे हैं, जबकि इसके अलावा कई सारे पद भी हैं? देखिए, पद तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं जिस जाति से आता हूँ वो जाति हमारा सामान्य है, और सामान्य जाति से यहाँ सिर्फ समिति ही पद ही खड़ा है। सारे अभी पदों पे जो है आरक्षण लगी हुई है, तो आरक्षण के कारण मैं किसी और पद में खड़ा नहीं हो सका, समिति पद में खड़ा हो सका। ऐसे मेरा बैकग्राउंड जो भी रहा हो, लोगों का, समाज का भी कहना रहा था इस बात का, जो आपने सवाल किया, ये सवाल हमारे ग्रामीण वासियों ने भी कहा था कि सर आप तो इस योग्य नहीं, आप तो इससे अच्छे और बड़े पद के योग्य हैं, उन पदों पे आपको खड़ा होना चाहिए। सर, दूसरा सवाल है आपसे, एक पंचायत का समिति पंचायत के लिए क्या कुछ कर सकता है? देखिए, पंचायत की समिति जो होता है ना, ये एक तरह से आप समझो कि जैसे इंसान में रीढ़ की हड्डी नींव होती है, एक मकान की जो नींव होती है जो मजबूत होनी चाहिए, या इंसान की रीढ़ की हड्डी जिस तरह से मजबूत होनी चाहिए तभी इंसान खड़ा हो सकता है या अच्छा कुछ कर सकता है, उसी प्रकार समिति पद होता है। समिति पद इस समाज को, इस पंचायत को विकास में खड़ा लाने के लिए सारा कार्य समिति ही करता है। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सबसे अहम अगर योगदान किसी के होती है तो समिति का ही होता है। ब्लॉक में जब अनुसरण की जब मीटिंग होती है या ब्लॉक में जब कोई बात होती है विकास की, तो वहां पर समिति से ही पूछा जाता है कि किस प्रकार से समाज का विकास किया जाए, किस प्रकार से समाज में कौन सा चीज वंचित है, कौन सा चीज वंचित नहीं है, इन सब चीजों को समिति से ही पूछा जाता है, इसलिए समिति बहुत ही अहम रखता है मुद्दा ये। सर, तीसरा सवाल है आपसे, आप किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, उद्देश्य तो बहुत सारे लोगों का उद्देश्य अलग अलग होता है, मेरा उद्देश्य एक ही है, जन जन लोगों तक सारा कल्याण को पहुंचाना, भ्रष्टाचार मुक्त समाज तैयार करना, और हमारे जो ये पंचायत धपरसिया है इनको आदर्श बनाना, चाहे वो विकास के रूप में हो या शिक्षा के रूप में हो या फिर स्वास्थ्य के रूप में हो। सर, धपरसिया पंचायत के लोग आप पे कैसे विश्वास करें? देखिए, धपरसिया पंचायत के लोग क्यों विश्वास करें, ये बहुत ही अहम मुद्दा आपने और अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी किसी चुनाव में लड़ा नहीं हूँ, और लेकिन क्या है कि पंचायत इलेक्शन से पहले मैं चूंकि पहले भी यहाँ पर और भी लोगों का सेवा कर चुका हूँ, बिजली के मुद्दे पे काफी सेवा हो चुका है हमारे जरिए, समाज के लोगों को भी मैं अच्छे अच्छे चीजों का जो है मैं वो कल्याणकारी कार्य कर चुका हूँ, कोरोना में मरने वाले लोगों को जो है जो मुआवजा मिलनी चाहिए उसकी जानकारी मैंने दिया, उसको जहां तक हो सका मदद भी मैंने किया। यानी यह है कि बहुत सारी चीजें जो समाज को मालूम नहीं रहता है कि मुझे किस तरह से कल्याणकारी काम मिलना चाहिए, कल्याणकारी काम कैसा होना चाहिए, क्या हमारा ये अनुदान होना चाहिए लोगों के साथ में, या फिर हमारा विकास के लिए क्या होनी चाहिए, या हमको किस तरह से कौन कौन सा योजना मिलना चाहिए, ये सारी जानकारी नहीं है, जिसको मैं जानकारी लोगों को देता हूँ, दिलाता हूँ, और उस पर जितना सहयोग हो सकता है मैं किया हूँ अब तक। यही वजह है कि मुझ पर विश्वास करते हैं लोग इस बात का, पंचायतवासी मुझ पर विश्वास किया और मुझे कहा कि छोटा ही पद क्यों ना हो, आप जरूर खड़ा हो जाए। सर, पांचवा सवाल है आपसे, जो घोटाला हर पंचायत में आवास से रिलेटेड होता है, इस पर आप कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, घोटाला जो है ना, मैं तो आपको पहले ही बोला कि भ्रष्टाचार मुक्त, इस पर कोई खास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला कि भ्रष्टाचार मुक्त मैं समाज तैयार करूंगा। भ्रष्टाचार सिर्फ आवास पे ही नहीं, बहुत सारी योजनाओं में होती है। भ्रष्टाचार को दूर करना ये सिर्फ नेता का ही काम नहीं, पूरे समाज का होता है, और इसके लिए मैं जन जन तक लोगों को उनकी आवाज को पहुंचाऊंगा कि आप भ्रष्टाचार कैसे दूर करेंगे, हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए मैं पूरे समाज को तैयार करूंगा, समाज को ये समझाऊंगा कि कोई भी चीज में भ्रष्टाचार में मेरा हाथ कितना होता है, मेरा योगदान कितना होता है। सर, छठा सवाल आप, शिक्षा, नल, सड़क, स्वास्थ्य और उचित करने के लिए आपके पास आप क्या करेंगे? देखिए, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नल जल योजना हो, जो भी हो, उन सबको हर घर तक पहुंचाने के लिए या हर समाज को अच्छे स्वास्थ्य कैसे मिले, अच्छा शिक्षा कैसे मिले, इसके लिए मैं एक रूपरेखा तैयार करूंगा अपने पंचायत के बीच में, और लोगों को इसके लिए मैं जागृति पैदा करूंगा कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा कैसे दे सकते हैं, चाहे उसके लिए नुक्कड़ सभा करनी पड़े या उसके लिए मुझे लोगों को जन जन तक पहुंच करके उनकी सारी बातों को करना पड़े, ये सारा चीज मैं मतलब जो है एक रूपरेखा तैयार कर चुका हूं और ये जीतने के बाद मैं जरूर करूंगा। अगर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या रहेगा आपका पंचायत में? अगर मैं जीत करके आया
तो पहला काम देखिए कुछ नहीं होता है, पहला काम मैं अगर कुछ भी इंडिकेट करूंगा तो हो सकता है कि समाज के लोग कहेंगे कि भाई इस समाज के लिए कर रहा है, मेरे समाज के लिए नहीं। पहला काम मेरी यही रहेगी, प्राथमिकता मेरी यही रहेगी समाज के लिए कि सभी को और सारे सब बहुत समस्या। हाँ नहीं बता रहा मैं आपको, सबसे बड़ा समस्या है, हाँ। जो सबसे बड़ा समस्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी समस्या अभी हमारे यहाँ इलिटरेसी का है, अनपढ़ लोग यहाँ पर, या फिर ये कहिए कि इलिटरेसी यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही कमजोर है हमारे तबके के लोग, और शायद इसी वजह से गरीबी रेखा से नीचे के भी लोग हमारे समाज में बहुत है। तो सबसे पहले मैं जागृति पैदा करूंगा कि लोग पढ़े लिखे और समाज के कल्याणकारी काम को समझे, लोग जागरूक हैं, जागरूक करने का ही काम सबसे पहला काम है। ओके सर, धन्यवाद।